हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आएगा तो करिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी कर्सिव राइटिंग में लिखना। जैसे कि आप वीडियो का टाइटल देख चुके हैं, आपको ये वीडियो के साथ साथ लेनी है एक नोटबुक या एक पेपर, जो भी अवेलेबल हो आपके पास, और साथ में लेना है एक पेन और पेंसिल, क्योंकि मोस्टली हम इस तरह के फॉर्मेट में काम करते हैं। फोर लाइनर्स इंग्लिश की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन वो बहुत ही बेसिक लेवल पे छोटे बच्चों के लिए है। हम पहले ये स्टार्ट करके पहले ये लिखना सीख लें, फिर हम इसको उस फोर लाइनर्स में भी इजीली लिख पाएंगे। मैं आपको उससे रिलेटेड भी एक वीडियो शेयर करके दूंगी। अभी ये जनरली सभी व्यूअर्स के लिए, कोई भी एज ग्रुप हो, आप कर्सिव में कैसे लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आपको भी प्रैक्टिस करनी है जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। हमें सबसे पहले कर्व लेना है थोड़ा सा इस लाइन से ऊपर, और फिर इसको ऐसे। दिस इज द फर्स्ट कर्व जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, नीचे से ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। ऊपर से आए, नीचे लाइन पे टच किया और फिर ऊपर चले गए। इस कर्व की प्रैक्टिस आप अभी करेंगे वीडियो के साथ साथ। देखिए बहुत मुश्किल नहीं है। और इस कर्व की हेल्प से अब ये कर्व हमने बना लिया है, इसमें हम लिख रहे हैं सिंपल ए। हम ए ऐसे ही लिखते हैं ना, बिना कर्सिव के। इसके साथ हमने बस इस कर्व को अटैच कर दिया है, तो हो जाएगा सिंपल ए के साथ कर्सिव ए, ए ए। तो इस तरह से आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, एक लाइन लिखेंगे पूरी आप कर्सिव ए की। इसी कर्व की हेल्प से हम बनाएंगे दूसरा अल्फ़ाबेट। ये देखिए कर्व बनाया और यहाँ लिख दिया है सिंपल सी। सिंपल सी हम ऐसे लिखते हैं, इसके साथ हमने कर्व को अटैच कर दिया है। कोशिश ये कीजिए, हमने कर्व बनाया, बिना उठाए हम पेन को लिख देंगे सी सी। देख रहे हैं आप, हम वही कर्व और फिर सिंपल सी लिख रहे हैं, तो हम कर्सिव में लिख पा रहे हैं सी। अभी हम बी नहीं लिखेंगे, उसके लिए मैं आपको दूसरा कर्व सिखाऊंगी। इसी कर्व से हम बनाएंगे डी, सेम कर्व और सिंपल डी। सिंपल डी ऐसे ही लिखा जाता है ना, बिना किसी कर्सिव के। उसके साथ बस हमने इस कर्व को अटैच कर दिया है डी डी। बस इतनी बार मैं साथ साथ लिख रही हूँ आपके, आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, इजीली आप ये लिख पाएंगे। आई होप आपको ये जितना मैं समझा रही हूँ बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे कैसे लिखना है, कर्सिव में वर्ड्स कैसे लिखने हैं, वो सब भी मैं कवर करूँगी। बट दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन दिस वीडियो। वी विल लर्न राइटिंग कर्सिव स्मॉल अल्फाबेट्स ए सी एंड डी। इसी कर्व की हेल्प से हम बनाएंगे जी। ये कर्व बनाया, सेम कर्व आप देख रहे हैं जिससे हमने स्टार्ट किया था, और यहाँ पे सिंपल हमने जी बना दिया। जी कैसे बनता है, स्मॉल जी ऐसे बनता है। इसके साथ हमने इस कर्व को कर दिया अटैच। तो हम कर्व बनाएंगे पहले, और बिना पेन या पेंसिल उठाए हुए नीचे बनाएंगे जी ये, और यहीं से हमने बनाया जी। तो कीजिए आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस जी। देख रहे हैं कितना इजीली हम लिख पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कर्व्स नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ सिंपल प्रैक्टिस। आई थिंक अगर आप इतनी बार लिख लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक कर्व ही तो याद रखते हैं ना, रेस्ट तो हम सेम लिख रहे हैं। और इसी कर्व से हम बना रहे हैं, ये कर्व बनाया और यहाँ से हम बनाएंगे क्यू। देखिए ये कर्व और सिंपल क्यू, सिंपल क्यू, स्मॉल क्यू, और साथ में अटैच कर दिया ये कर्व ऐसे ही क्यू क्यू, कर्सिव क्यू। दिस इज कर्सिव एंड दिस इज सिंपल क्यू, कर्सिव क्यू। आई होप इट इज इजियर फॉर यू नाउ। इस कर्व की हेल्प से हमने 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स तो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं,
अब एक बार फिर से लिख लेते हैं इनको, ए सी डी जी क्यू। आई होप आपको यहाँ तक ए सी डी जी एंड क्यू लिखना आ गया है आसानी से। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसी तरह की सिंपल एंड इजी वीडियोस, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। अब हम सीख रहे हैं नेक्स्ट कर्व, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करेंगे और फिर सीधी लाइन जाएगी ऊपर और घूम के नीचे आ जाएगी। दिस इज़, जैसे हम एल बी लिखते हैं ना, ये दिस इज द कर्व, ऊपर घुमा के नीचे। कभी कभी बीच में हम ऐसे लाइन के बीच में स्पेस नहीं छोड़ते और कभी कभी हम ऐसे करके थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। बोथ आर नॉर्मल, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो आपसे इजीली बने, ऐसे बन रहा है या फिर बिना स्पेस के बन रहा है, बोथ आर इक्वली करेक्ट इन कर्सिव राइटिंग। तो हमने नेक्स्ट कर्व की प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। अब इस कर्व की हेल्प से देखते हैं हम क्या क्या बनेगा। इस सिंपल कर्व को हमने ऐसे बनाया और फिर यहां से घुमाकर ऐसे कर दिया। दिस इज बी इन कर्सिव राइटिंग। ये कर्व बनाना अगर हमने सीख लिया है तो बस इतना घुमाकर इसको ऐसे कर दो। अगर आप इसको इस तरह से भी बना देंगे ना तो दिस इज नॉट इनकरेक्ट, लेकिन कर्सिव में ये ज़्यादा ब्यूटिफुली लिखा जाता है। तो आप थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए और ऐसे करिए। ये कर्व बनाया, घुमाया और ऐसे ऊपर को छोड़ दिया। ये कर्व बनाया, घुमाकर थोड़ा सा ऐसे छोड़ दिया। दिस इज बी फॉर बॉल। इसी कर्व की हेल्प से देखिए, ये कर्व ऊपर गया नीचे। अब नीचे लाकर अगर हम इसको सीधा नीचे ले आते हैं और घुमाकर इधर बीच में मिला के ऐसे कर देते हैं, दिस इज एफ। ये कर्व बनाया, नीचे आ गए, फिर ऊपर गए, जहां ये लाइन स्टार्ट हुई है वहां घुमा दिया, दिस इज एफ। देखिए कैसे, ये कर्व तो सीख लिया हमने, इसको हम बाहर नहीं ले जा रहे हैं, इसको हम सीधा नीचे ला रहे हैं ऐसे, और इसी साइड पर इसको फिर से घुमा रहे हैं और यहां से इसको बाहर निकाल देंगे थोड़ा सा, दिस इज एफ। सेम कर्व नीचे एफ, सेम कर्व बनाया नीचे एफ। कीप प्रैक्टिसिंग अलोंग विद मी, जो भी मैं लिख रही हूं वैसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए, उतनी ही बार आप प्रैक्टिस कीजिए, आप इजीली लिख पाएंगे। कर्व बनाया नीचे, यहाँ मिलाया और ऊपर, एफ फॉर नीचे ऐसे। अब अगर यहाँ पर लाइन में स्पेस नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, सपोज आपने ऐसे सिंपल लाइन बना दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नीचे लाइए, ऐसे मिलाइए, दिस इज एफ। तो हमने इस कर्व की हेल्प से लिखना सीख लिया है बी एंड एफ। इसी कर्व की हेल्प से देखिए हम लिखेंगे एच। हमने ये कर्व बनाया, ये हमने कर्व सीख लिया है। अब यहाँ से ऐसे कर देंगे तो H बन गया। H ऐसे ही तो बनता है, इसके साथ हमने ये कर्व अटैच कर दिया है बस ऐसे। तो सबसे पहले कर्व बनाया, नीचे आए और यहाँ ऊपर जाके H बना दिया। कैसे, सेम कर्व यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि H लाइन से नीचे तो आएगा नहीं, और यहाँ से ऐसे। कर्सिव में बस कोशिश की जाती है हाथ को उठा उठा के ना लिखा जाए, तो इसीलिए हमने सिंपल यहाँ से कर्व बनाया, नीचे आए और इसी लाइन पे ऊपर गए बीच में और घुमा के यहाँ पर एच बना दिया। फिर से देखिए, सेम कर्व ऊपर बीच में आके यहाँ से एच बना दिया, एच फॉर हाउस। तो आप सिंपली ऐसे एच लिख सकते हैं। तो हमने क्या सीखा है, बी एफ एच। और इसी कर्व की हेल्प से ये कर्व बनाया और यहाँ पर हम बनाएंगे के फॉर काइट। के कर्सिव में इस तरह से लिखा जाता है। अगर आप इसको ऐसे भी लिख देंगे ना
सो दिस इज नॉट रॉन्ग. आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे, लेकिन एक्चुअली कर्सिव में के कुछ इस तरह से बनता है, तो मैं आपको ऐसे ही सिखा रही हूँ. ये कर्व बनाया हमने, फिर हम यहीं ऊपर गए जैसे हम एच बना रहे थे, अब हम एच की जगह पे यहाँ मिलाएंगे इसको और इसको नीचे ले आएंगे लाइन पे. कर्व, मिड ऑफ द कर्व, घुमाकर नीचे. के फॉर काइट, ऐसे घुमाकर. दिस इज स्मॉल के इन कर्सिव. आई होप ये आपको अब ईजी लग रहा है कैसे हमें बनाना है. के बाद हम बनाएंगे एल. एल तो यही सिंपल कर्व है, बस ये बना दिया. दिस इज एल. एल एल एल. और अगर मैं इसी कर्व के अंदर एक इस तरह से स्लीपिंग लाइन लगा दूंगी, दिस विल बिकम टी. तो एल एंड टी मैं आपको यहीं पर सिखा रही हूँ. एल एंड टी. आई होप इतना आपको इजीली आ गया है. थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, बट इस वीडियो के बाद आप इजीली ए सी डी जी क्यू एंड देन एल बी एफ एच के एंड टी लिख पाएंगे, है ना. अब एक बार जल्दी से लिख लेते हैं फिर से इन्हीं कर्व्स को. दिस इज बी एफ एच के एल एंड टी. आई होप इतना आपने सीख लिया है. मैं ये पूरा पेज वीडियो के एंड में फ्रीज कर दूंगी ताकि आप अच्छे से इसको फिर से रिवाइज कर सके. बट अभी तक आपको इतना आ चुका है कि नहीं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए क्या आपके लिए कर्सिव राइटिंग अब इजी हो गई है या नहीं हुई है. प्लीज प्लीज शेयर योर कमेंट्स विद मी. चलिए आते हैं नेक्स्ट कर्व पर. नेक्स्ट कर्व से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बिल्कुल फ्री है. वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है राइट साइड में रेड कलर में, बस आपको उस पर क्लिक करना है. और एक उसके राइट साइड में बेल बनी है, उस पर भी क्लिक करना है ताकि जब भी मैं कोई ऐसा यूजफुल वीडियो आपके लिए अपलोड करूं आपके पास एक मैसेज की बेल बज जाए. तो आई होप आप इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कर्व की हम बात कर रहे थे. नेक्स्ट कर्व आपको बनाना है बिल्कुल सिंपल, नीचे से लेके एक सिंपल ऐसे लाइन. इसको स्लैंटिंग लाइन भी कहा जाता है, बट बिकॉज ये बहुत छोटी लाइन है वी विल कॉल इट कर्व. सो दिस इज द कर्व. थर्ड कर्व है ये जो हमने अभी तक पढ़ा है, है ना. पहला कर्व क्या था? ये वाला. दूसरा कर्व क्या था? ये वाला. और अब दिस इज द थर्ड कर्व. बहुत सिंपल है. इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है इस कर्व की. और इसकी हेल्प से देखिए हम क्या क्या बना पाएंगे. सिंपल हमने ये लाइन लगाई और यहाँ से घुमाकर ई बना दिया. कर्सिव में ई इस तरह से हमें बनाना है. ये नॉर्मली हम ई ऐसे बनाते हैं, लेकिन कर्सिव में थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए इस लाइन के ऊपर ही घुमाकर ऐसे. लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें स्पेस ज़रूर छोड़ना है. अगर आप ऐसे कर देंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, ये आपको आई की तरह नज़र आएगा. तो ई में आपको ज़रूर ध्यान रखना है, स्पेस छोड़ना है. ये जो बीच में वाइट दिख रहा है ना पेज, ये दिखना चाहिए तभी वो ई की तरह नज़र आएगा. सो दिस इज़ ई. ई के बाद इसी कर्व से देखिए ये कर्व ऊपर गया. और अगर हम स्पेस नहीं छोड़ते हैं और नीचे लाते हैं और एक डॉट लगा देते हैं, इट विल बिकम आई. देख रहे हैं आप कितना इजी है. ऊपर गए बिना स्पेस के अगर हमने लिख दिया है तो इट विल बिकम आई, और अगर स्पेस के साथ लिखा है तो वो बन जाएगा ई. तो अब हम कर रहे हैं आई की प्रैक्टिस. जितने टाइम्स मैंने यहाँ पर लिखा है उतनी ही टाइम्स आप करेंगे प्रैक्टिस, और आप देखिए वीडियो के बाद आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा कर्सिव राइटिंग में लिखना. तो इस कर्व से हमने बनाया दो अल्फाबेट्स. अब हम बनाएंगे इसी कर्व से, ये ऊपर गया कर्व सिंपल जो सीखा है,
और एक सिंपल जे और डॉट। जे कैसे बनता है? सिंपल ऐसे जे बनता है, हमने बस ये कर्व उसके साथ ऐड कर दिया है। तो अब हम कर रहे हैं जे की प्रैक्टिस। ये सिंपल सीधा कर्व, स्लांटिंग लाइन, नीचे घुमाकर ऊपर और ये जे, देखिए ये, और फिर तो सिंपल जे आप जैसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं तो आप ऐसे छोड़ दीजिए, बस कर्व हमारा ठीक होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमें करनी है जे की प्रैक्टिस। दिस इज स्मॉल जे। आई होप आपके लिए अब ये इजी हो गया लिखना। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट। सिंपल यही कर्व, और जैसे हम एम लिखते हैं सिंपल एम, इसके साथ ये कर्व ऐड कर दिया तो इट विल बिकम कर्सिव एम। देखिए ये सीधी लाइन और सिंपल एम बनाएंगे और हल्का सा इसको बाहर कर देंगे तो एक स्टाइल आ जाएगा कर्सिव वाला। तो ये कर्व एंड देन सिंपल एम, कर्व सिंपल स्मॉल एम, कर्व एम, कर्व एम, देख रहे हैं आप कर्सिव एम लिख पा रहे हैं हम। इसी तरह से हम लिखेंगे एन, कर्व और सीधी लाइन और एन, बस ये थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए। दिस इज द स्टाइल कहिए आप इसको, या आप इसको कहिए दिस इज द कनेक्टर टू कनेक्ट अनदर अल्फाबेट। जब हम वर्ड्स लिखेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगी कैसे करना है। एन कर्व, एन कर्व हमारा इस बार क्या है, सीधा है, तो हमने ये कर्व बनाया और हमने एन बना दिया। कर्व एन, कर्व एन, सो दिस इज द कर्व, थर्ड कर्व इन कर्सिव राइटिंग। तो अब हमारे लिए हो गया है बहुत ही आसान कर्सिव राइटिंग लिखना, तो आप जरूर प्रैक्टिस करिए। और इसी से हम बना रहे हैं ओ। ये देखिए कर्व बनाया है सिंपल, और स्मॉल ओ कैसे बनता है ऐसे, तो यहीं पर स्मॉल ओ और थोड़ा सा घुमा के इसको हम बाहर निकाल देंगे तो एक स्टाइल आ जाएगा इसके अंदर। कर्सिव राइटिंग इज अ राइटिंग विद स्टाइल यूजिंग कर्व्स। ये ओ और यहीं से ऊपर ओ, अगर आप इसको नीचे ले आएंगे ना तो ये क्यू की शेप देगा, तो हमें नीचे नहीं लाना है, इसी लाइन को ऊपर घुमाकर ऊपर। दिस इज ओ, स्मॉल ओ, और इसी कर्व की हेल्प से सिंपल ये लाइन, इसको यहां से घुमाया और नीचे। दिस इज आर, ये ऐसे देख रहे हैं सिंपल ये लाइन आई है जो हमने कर्व सीखा है, इसको घुमा के ऊपर लाना है और इतना ही नीचे लाके ऐसे घुमा देना है। आर, जितनी बार मैं लिख रही हूं आप अगर इतनी बार जरूर लिख लेंगे तो आप आसानी से ये अल्फाबेट्स लिख पाएंगे। आर के बाद इसी कर्व की हेल्प से हम बना रहे हैं एस। ये कर्व बनाया और यहां सिंपल एस बना के एक टेल बाहर इसकी निकाल देनी है। तो ये देखिए कर्व एस और ये टेल, इससे हम कनेक्ट करेंगे दूसरे अल्फाबेट्स को। ये ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए कर्व और सिंपल एस जो बनता है इस पे अगर हम ये कर्व लगा देंगे तो ये बन जाएगा कर्सिव एस। देख रहे हैं आप, कीप प्रैक्टिसिंग अलोंग विद दिस वीडियो। दिस इज हाउ टू राइट एस। अब इसी कर्व की हेल्प से हम बनाएंगे पी। कर्व बनाया, सीधी लाइन नीचे आ गई और ये घुमा के टच नहीं करना है, बाहर निकाल दिया। कर्व नीचे लाइन ऊपर से आए और ऐसे, सिंपल पी ऐसे बनता है ना, इसमें हमें पी को टच नहीं करना है और फिर बाहर निकाल देना है। और ये सिंपल कर्व ऐसे 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 पी। तो ये सारे हमने इस थर्ड नंबर वाले कर्व से बनाए हैं। एक बार फिर से लिख लेते हैं, देखिए ई, अगर हमने बिना स्पेस के बना दिया तो आई, जे, एम, एन, ओ,
आर एस एंड पी। तो थर्ड कर्व की हेल्प से हमने सीख लिए हैं ये 9 अल्फाबेट्स। अब लास्ट कर्व रह गया हमारा, बहुत ही सिंपल है, दैट इज ये कर्व अभी हमने ऐसे बनाया है। अगर हम इस कर्व को थोड़ा सा घुमाकर ऐसे बना देंगे, पहले वाला जो फर्स्ट कर्व था वो घूमकर इधर को मुड़ा हुआ है, इसको हमें मोड़ना नहीं है, इसी कर्व की बस एक ऐसे आगे को घुमा देना है, नीचे से घुमा के सीधा। तो कौन सा कर्व है ये? नीचे से घुमाया सीधा, बस यहाँ जैसे हम टिक लगाते हैं ना ऐसे टिक, इसको थोड़ा सा घुमाकर टिक लगाना है, ऐसे ऐसे। और इसकी हेल्प से हम बनाएंगे, ऐसे टिक लगाया और सिंपल वाई। वाई को आप सिंपल ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन ये ज्यादा बेटर शेप देता है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी देता है। तो आप इसको ऐसे ही बनाइए जैसे मैं बता रही हूँ। दिस इज द फोर्थ कर्व, बहुत ज़्यादा हमने कर्व्स नहीं रखे हैं, तो बस हमने इसको ऐसे घुमाया और फिर वाई बना दिया, ये कर्व और फिर सिंपल वाई। सिंपल अल्फाबेट्स तो हमें आती हैं, सिर्फ कर्व्स को ध्यान रखना है और हम इजीली लिख पाएंगे। अब इसी कर्व की हेल्प से देखिए हम लिखेंगे, ये कर्व बनाया और फिर सिंपल W लिखा और यहाँ से घुमा दिया, ऐसे घुमाया और फिर यहाँ लिखा W एंड देन ऐसे ही कर्व बनाया और फिर नीचे सिंपल V लिखा और ऐसे कर दिया। अगर हम इसमें स्ट्रेट लाइन लिखते ना तो V ऐसे दिखेगा, ऐसे ना लिख के हम इस कर्व को ऐसे घुमाते हुए बना रहे हैं राइट, और फिर सिंपल V और ऐसे, दिस इज V। तो हमने सीख लिया V भी। लास्ट है इसी कर्व की हेल्प से जो हम बना रहे हैं, ये कर्व बनाया और सिंपल x बना दिया। x कैसे बनता है? ऐसे बनता है स्मॉल x, देखिए ये कर्व घूमा, यहां से हम नीचे आए और ये x, कर्व नीचे और x, देखिए x हम ऐसे बनाते हैं, बस इसके आगे हमने ये कर्व अटैच कर दिया, कर्व एक्स, कर्व एक्स, और ऐसे ही कर्व और नीचे यहां घुमाएंगे और फिर जेड बनाएंगे, देखिए ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, कर्व के साथ भी बना सकते हैं। कर्व विल हेल्प अस इन कनेक्टिंग दीज स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स। तो चलिए फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं इस कर्व की, जो हमने लास्ट के कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं, ये दीज आर 6 अल्फाबेट्स यूजिंग दिस कर्व्ड कर्व। इसकी हेल्प से हमने 6 अल्फाबेट्स लिखे हैं, वो एक बार फिर से देख लेते हैं। लास्ट कर्व है हमारा ये, इससे हमने बनाया है यू, बनाना है हमें यू, हम स्किप कर गए थे यू, देखिए ये कर्व और फिर यू, यू हम सिंपल ऐसे लिखते हैं, इसके साथ हमने बस ये कर्व अटैच कर दिया, ये कर्व और फिर यू। इसी कर्व की हेल्प से हम बना रहे हैं वी, घुमाया और सिंपल वी, ऊपर से घुमा देना है थोड़ा सा, ऐसे कर्व बनाया एंड वी, कर्व वी, कर्व V, कर्व V। अब हम बना रहे हैं कर्व W, कर्व W, कर्व W, कर्व W, और ऐसे ही कर्व X, कर्व X, कर्व X, कर्व वाई, ये कर्व और सिंपल वाई, कर्व। अगर हम इसको ऐसे वाले कर्व से बनाएंगे तो हमारा वाई अंदर को घूम जाएगा, विच वुड लुक लाइक जी। तो हमने इस कर्व को सीधा रखना है और यहां से फिर बनाना है वाई, कर्व एंड वाई, और इसी कर्व को ऊपर ले गए और यहां घुमाकर बनाना है जेड,
जेड। कर्व सीधा गया, यहां से ये हमने थ्री की तरह बनाया और जेड बना दिया। अब मैं आपको बताती हूँ इस कर्व से हमने क्या क्या लिखा है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस कर्व से हमने लिखा है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आई होप आपके लिए ये कर्सिव में लिखना अब ईजी हो गया है। एक बार जल्दी से सारे स्मॉल अल्फाबेट्स देख लेते हैं। थोड़ा सा इस क्लास में आपको टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन ये कन्फर्म्ड है कि आप कर्सिव अब लिख पा रहे हैं। तो चलिए सारे अल्फाबेट्स देख लेते हैं ए टू जेड तक। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। डियर फ्रेंड्स कीप प्रैक्टिसिंग एंड जस्ट सेंड मी द कमेंट्स। नॉर्मली किड सेक्शन में कमेंट्स नहीं होता है, बट क्योंकि ये बड़े एज ग्रुप के लिए मैंने वीडियो बनाया है ताकि हर कोई कर्सिव में लिख सके, तो इसमें कमेंट सेक्शन ओपन है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, नहीं भी अच्छा लगा तो भी बताइए, और साथ में मुझे ये भी बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और साथ में पूरे सेंटेंसेस कर्सिव में लिखना सिखाऊँ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।